होंडा सिविक पे भाई ने मॉडिफाई करी है इस लैम्बोर्गिनी को, और बहुत मेन मेन बातें हैं जो हम करेंगे आराम से, पर तुम लुक देखो यार क्या सही लग रही है। अच्छा तो तेरी ये लीवर है इसको खींच के होंडा सिविक है, होंडा सिविक से पे मॉडिफाई की है ये पूरा रीबिल्ड। क्या गाड़ी बनाई है ये भाई, ये बंदा ना एक्चुअल कार एंथुसियास्ट को बता सकता हूं ये कार का है बंदा। तो भाई ये कुछ देख लो आसपास बंदे गाड़ी अपनी रोक रोक के, बाइक रोक रोक के देख रहे हैं। सर मैंने गाड़ी देखी आपकी। ये जो भाई है ये अपने रील बना रहे हैं देख रहे हो, और ये भाई पता नहीं शॉट ले रहे हैं। यहाँ भी देख लो, अरे वाह भाई वाह जी वाह, नाइस कार नाइस कार। तो देखो यहाँ पे ना अभी सर आए, ठीक है सर कैसी लग रही है गाड़ी? एक नंबर। आपको पता है ये लैम्बो जो है बनाई गई है हाथ से बनाई है? हाथ से बनाई। हाँ कल दिल्ली आज भोपाल, यही कुछ सफर होता है यूट्यूबर्स का, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पे यश श्रीवास्तव भाई है जिनके लिए हम आए स्पेशली। भाई मुझे पहले ये बताओ आपने भोपाल में क्या करिश्मा कर दिखाया है, जरा अपने मुंह जवानी बता दो, आपने कौन सी गाड़ी बनाई है और किस गाड़ी से? भाई हमने बनाई है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। अरे वाह द लेजेंडरी कार हमने वो बनाई है सिविक पे। सिविक पे देख लो भाई, सबसे मेन चीज तो ये भाई ने होंडा सिविक से लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा मैंने बहुत साल पहले वीडियो बनाई थी येलो माफिया कार्स ऑफ इंदौर करके, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे मैंने जिक्र मतलब मामले दिखाए थे, बस इस बार क्या है भोपाल है और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर दोबारा से मतलब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा वेट है कि अभी अपन होटल लेंगे, होटल थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर दोपहर शाम तक अपन पब्लिक रिएक्शन लेते हुए बढ़िया उसका सीन दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। उससे पहले भाई जरा भोपाल घुमाओगे नहीं मतलब यार? हाँ बिल्कुल 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 भैया। तो ये अपने भाई, भाई आपका नाम? यश। मेरा इम्तियाज। अच्छा अच्छा इम्तियाज, भाई का नाम यश है। भाई आप अपने और बताओ जरा आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, और ये जो आपने कन्वर्ट किया है मामला ये क्योंकि बहुत अनयूजुअल है यार, और ऊपर से दिल्ली में तो ऐसे काम हो ही नहीं सकते, आपको पता है कितनी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। पर अगर काम सफाई से हो तो स्ट्रिक्टनेस में भी हो जाते हैं, तो आपने क्या काम सफाई से किया है पब्लिक को पहले बता दो एक बार, और क्या कहाँ से ट्रेनिंग ली है आपने, अपना जरा हिस्ट्री बताएं आप। यार अब मैं बचपन से शौकीन तो था ही कार का। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में था तो तभी से मैं ऑफ रोड गाड़ी बनाता था, वो सब अच्छा। गाड़ी बाहर जाती थी। और कौन सा कॉलेज? VIT वेल्लोर से, काफी फेमस। हाँ। और फिर उसके बाद हमने जॉब भी मर्सिडीज में करी डेढ़ साल, तो अब सोचा कि अब बनाने ही चालू करते हैं। अब यार अपना लोगों को दिखाते हैं अपना टैलेंट थोड़ा सा। ये अपने जैसे क्या कस्टम्स का नाम क्या है? YS कस्टम्स। तो इसको अपने को क्या मतलब DC से भी बड़ा करना है? DC कुछ भी नहीं है। अच्छा DC बंद हो चुकी है अब। हाँ DC2 आ गया कस्टम्स नहीं, लेकिन DC2 है अभी भी तो। हाँ उसका जो लड़का चला रहा है। हाँ डिजाइन्स है आपके पास? मेरे खुद के बहुत सारे डिजाइन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कार इंडस्ट्री में डिजाइन की बड़ी होड़ होती है, मेन डिजाइन्स है। हाँ और मेरे पास खुद के बहुत सारे डिजाइन है जो कि भी अनवील्ड है पूरे। अच्छा तो कौन कौन सी गाड़ियों पे क्या डिजाइन, कुछ ऐसा टीजर बताओ जो आने वाले वक्त पे देखेगा, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को तो दिखा देंगे। चलो ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो एक हाइपर कार आएगी एक। अच्छा सुबह सुबह वक्त, ठीक है गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दिया है और यहाँ पे आ गए हैं भोपाल का फेवरेट फेवरेट फेमस क्या खाने है? पोहा जलेबी। पोहा जलेबी ठीक है। मैंने यार भोपाल इंदौर में आके पोहा तो बहुत खाए हैं, जो कि भोपाल इंदौर मुंबई सब जगह चलता है, ये है ना नाश्ते में बेस्ट होता है, जो कि ऑफ कोर्स हाजमे के लिए मैंने देखा है खा के सही होता है, सुबह के वक्त ना आप खा सकते हो सब कुछ इस तरीके से होता है। कितने की है ये? 15 रुपये की। बहुत सही रेट में मिल रही है यार, तुम देख लो 15 रुपये की है पोहा, मिक्सचर अपनी ये वाली और जलेबी, बहुत सही रीजनेबल और रीजनेबल रेट है यार बहुत। तो कैसे? पहले एक चम्मच पोहा। हाँ चम्मच रख करके एक कांच जलेबी। अच्छा हाँ ये तरीका खाने का, क्या बात है अब वो टेस्ट आएगा। यूनिक यार, काफ़ी यूनिक, ठीक है 15 रुपये का बहुत सही। चलो खाएंगे, अपनी कॉफ़ी बन रही है वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, और चाय की ग्लास में कॉफ़ी पीने का मज़ा सिर्फ भोपाल में ही मिलेगा, क्यों? क्या बात है बेहतरीन। तो भाई ये है वो लैम्बोर्गिनी जिसके लिए हम आए हैं, ठीक है, और प्रॉपर हम पब्लिक रिएक्शन में लेंगे, एक बार होटल भी जाऊंगा फ्रेश होगा, पर तुम्हें दिखा देता हूँ पहले ही, ठीक है। होंडा सिविक पे भाई ने मॉडिफाई करी है इस लैम्बोर्गिनी को, और बहुत मेन मेन बातें हैं जो हम करेंगे आराम से, पर तुम लुक देखो यार क्या सही लग रही है, देख रहे हो यार। देखो बहुत फेमस डायलॉग है मेरा, बहुत सिंपल है जो मैं यहाँ बोलूंगा, कोई देख के बोल सकता है कि यार ये होंडा सिविक पे बनी है, और जिस तरीके से भाई ने इसको कर्व्स दिए हैं देखो तुम, अभी साफ वाफ नहीं है, थोड़ा सा साफ वाफ हम अच्छे से करवा के इसको फीचर करेंगे, ठीक है। पर सबसे मेन चीज़ जो है ना बोलने वाली, जो हम बात करेंगे प्रॉपर,
वो है, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो हेडलाइट्स है, जो कि हेडलाइट्स अगर आप मतलब ऑफ कोर्स आप लैम्बोर्गिनी बना रहे हो तो आपको हेडलाइट जो रियल पड़ती है और इसमें वो कितने की पड़ती है? एक जाती 4.5 लाख रुपए। और ये आपने खुद से बना दिया? खुद से बनाई है। और कितने बना दी ये? अपन चारों को लेकर जाएं, चारों हाँ। लाइटें तो ये पड़ती 16 लाख रुपए का सेट पड़ता है चारों का। अच्छा, ये हमने पूरी कंप्लीट करती 60,000 रुपीज में। 60,000 में चारों? चारों। क्या बात कर रहे हो, 60,000 में या मतलब जो ऑफ कैमरा भी चारों को बता रहे थे 60,000? हो तुम जला के सब कुछ हम आगे अच्छे दिखाएंगे। बस अभी मैं तुम्हें लुक दिखा रहा हूँ। ये लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, एवेंटाडोर जो जानते हैं, एवेंटाडोर कुछ इस तरीके से होते हैं। और लैम्बोर्गिनी के बहुत टाइप है, एसवीजे, सेंटेनारियो, गलाडो, हरिकेन, ये नहीं है। अच्छा, मैंने मॉडिफिकेशन तो नहीं है, बस यही सुना है। लोग जल्दी क्या करते हैं, सेंटेनारियो, एवेंटाडोर, गलाडो मुश्किल है थोड़ा आना, लेकिन हरिकेन में ख्याल से हरिकेन भी बन जाती है। एवेंटाडोर क्यों बनाई वैसे, ये सवाल अगर पूछो तो? सबसे आइकॉनिक है ये। अच्छा, क्योंकि ये 2014 में शायद डिसकंटिन्यू हो गई थी। अच्छा, और सबसे जो इसका डिज़ाइन है ना, हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे पर्सनली। और ये क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको बनाने में? अच्छा, मैं देख रहा हूँ बैक कैमरा भी आपने लगा रखा है। हाँ जी। देखो मैंने तुम्हें आज का सीन बताया थोड़ी कि आज हुआ क्या। बेसिकली क्या था, टिकट ना मेरी और धीरे दोनों की साथ में थी, ठीक है, और ऑफकोर्स 5:55 की मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से, जिसके लिए मुझे 3 बजे की आती 3:30 मुझे एयरपोर्ट पहुंचना ही था। तो धीरज भाई साहब सपने तो सो रहे थे, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली उसको छोड़ के निकलना पड़ा, क्योंकि यार फ्लाइट है, मैं कितना ही किसी के पीछे पड़ जाऊँगा कि भाई निकलो चलो उठो, कोई दिक्कत नहीं आ पाया तो भाई मैं आ गया। लेकिन धीरज को भी था कि यार मैं अकेले चला गया, ऐसे अच्छा ही लग रहा होगा उसे, तो अब वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के भोपाल आ रहा है। ठीक है, अभी का टाइम हो रहा है 9 बज रहे, 12:30 बजे के आसपास वो आ जाएगा भोपाल। अब उसने मुझे बताया तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, भाई ने मुझे बोला तो है कि भाई वो आएगा। ये देख लो, ये अपना रूम है, ठीक है, डबल बेड। और हाँ, आईडी मांग रहे हैं, दे रहा हूँ मैं, एक रूम टूर दे रहा हूँ बस, आप चले मैं दे दूँगा उन्हें, ठीक है। मैं रूम टूर दे देता हूँ, डबल बेड यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना कुछ व्यू है, देख लो, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास है अपना होटल, जितने लोग भोपाल के तुम लोगों को सुन रहा हूँ। और ये अपना कुछ मिरर है जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने, हाँ, फुल गलत करते हुए, थोड़ा बाल वाल बिखर से, थोड़ा मैनेज, अलमारी, टीवी जिसका कुछ यूज़ नहीं होता कभी भी यार होटलों में, और ये अपना वॉशरूम बढ़िया सा। One hour later. तो भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो इतना ज्यादा है ना, एवं मैं रिएक्शन लेता हूँ, आप जरा खेचा मारे। इसके लिए तो घर वाली बात है आपके लिए तो, लेकिन बहुत सही भाई, आओ बैठते अंदर। ये देख रहे हो एक्रिलिक शीट से ही, इससे प्रॉपर टच आ रहा है अपना वेंटिलेटर वाला। और ये सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है यार, आप ढांचा बना लोगे, एग्जॉस्ट भी बना लोगे, पर ये छोटी छोटी बारीकी होती है ना, ये बहुत भाई ने यार यूनिक दिया एकदम, ठीक है। आओ जरा अंदर बैठते हैं और देखो, आ जाओ भाई। मैंने भाई अक्सर देखा है जितने भी लैम्बो बंदों ने बनाई है, मैं आज तक कभी उस पर बैठ नहीं पाया, पर ये इकलौती लैम्बो ऐसी जिसमें बैठ पा रहा हूँ, और भाई ने इसको कन्वर्टेबल बना रखा है, प्रॉपर खुल जाएगा छत। हाँ, और अंदर तुम देख लो कुछ ऐसा फील है, अरे वाह, लैम्बो में सफर कर रहे हैं पर यार गलत एकदम फुल। और अभी जैसे भाई आर्थ मैंने देखा, बाहर बच्चों के जो रिएक्शन आ रहे थे ना भाई, वो सबसे ज्यादा मेन थे यार, ठीक है। और अंदर देख लो, मतलब ये सब बनाना कितना मुश्किल होता है, तुम समझ लो ना। हाँ भाइयो, कैसी लग रही है? बढ़िया है, होंडा सिविक है ये? वो तो समझ में नहीं पाया क्या बोल गया मैं, होंडा सिविक। हाँ भाई, भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, एग्जॉस्ट की साउंड बड़ी यार खतरनाक है, बेसी है प्रॉपर, तो उसमें कौन सा मतलब अपने एग्जॉस्ट लगवाया है? ये लगवाया नहीं है खुद से, कंप्लीट हैंडमेड है। ये पता है कौन सी गाड़ी है? ना, होंडा सिविक है ये, होंडा सिविक से लैम्बोर्गिनी बनाई है, यही तो खास बात है गुरु। हाँ, मतलब पापा के दलील है ना, इनसे बात करो यार, इन्होंने बनाई है। हाँ, वो शक्ल से भी अमीर लग रहा थोड़े से। अच्छा, मैं नहीं लग रहा क्या? आप भी लग रहे हो, मतलब हाथ में एप्पल है तो होगी। अच्छा अच्छा, ये मतलब बवाल में एक सोच है कि हाथ में एप्पल तो अमीर। भाई ये इन्फॉर्मेशन आया तो होंडा सिविक से कंसल्ट करिए, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर पे। हाँ ठीक है, और वीडियो में आ रहे हैं? नहीं ठीक है, बस ओके, वायरल करने के लिए बस, वायरल हो तुम।
चलो भाई अब यहाँ से भगाते हैं, ठीक है थोड़ा। अपन वापस पलटा रहे हैं अब अपन। अच्छा आपको बिरयानी खिलाने के। तो भाई बताओ जरा कैसे कैसे है ये दोनों हैं अपनी पावर विंडोज। अच्छा ठीक है, ये अपना स्टीयरिंग कॉलम मर्सिडीज का भी देखो धीरे धीरे अंदर जा रहे हो। अच्छा ये भी तुमने बना रखा है? ये भी पूरा मर्सिडीज का कॉलम लगा हुआ है इसमें। अच्छा क्योंकि तुम पहले मर्सिडीज में काम करते थे इसीलिए। और ये देखो, ये देखो आगे देखो कैसे बच्चे लोग देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे आजकल के यूथ को बच्चे लोग बोलने में बड़ा मजा आता है, बात चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है इस बात में, ठीक है। हाँ आओ भाई फिर। ये हो गए अपने हजार्ड लाइट्स, फोर इंडिकेटर्स, ठीक है। ये हो गया इग्निशन, ये सबसे बढ़िया है। हाँ, इसको ऊपर करूंगा बंद। एक्चुअली मोगनी में आता ही वो यहाँ पर आता है लेकिन अपन नहीं आते थे। अरे वाह ठीक है। तो ये मतलब तुमने खुद से कस्टमाइज किया है? ये पूरा कंप्लीट हैंडमेड, ये भी हैंडमेड है पूरा, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड लाइटिंग और इंटीरियर लाइटिंग। अच्छा जी अभी दिखाएंगे बाहर, रात में दिखा, रात में आएगा मजा इसमें, ठीक है। ये हो गया सेल्फ, ओके। ये मैनुअली डोर ओपन करने के लिए। अच्छा वर्किंग है ये? हाँ वर्किंग है। अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद ये मिरर्स के लिए। अरे वाह ठीक है। इनका एडजस्टर, ठीक है। ये पेट्रोल टैंक खोलने के लिए और डिक्की खोलने के लिए। ये बहुत यार मेरे ख्याल से ये एक्चुअली मॉर्गेज में ज्यादा ना फीसेबल बोलते हैं ना, जो एक काफी इजी हो जाएगा ओनर के लिए, पूरी गाड़ी यहीं से कंट्रोल हो जाएगी। हाँ यार और ये मास्टर, ये इसको अपन बंद कर देंगे तो पूरी गाड़ी के कंट्रोल्स खत्म हो जाएंगे इसके। अच्छा ओके। और ये जो स्क्रीन है इसकी जगह पर तुम वो लैम्बो वाली जो स्क्रीन आती है वो भी लगा सकते हैं? वो भी लगा सकते हैं अपन। हाँ तो वो प्रोग्रामिंग होके लग जाती है वो, लेकिन वो महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है हवा कम है। हाँ यार हवा कम है। बाकी गाड़ी कैसी लग रही तुम्हें भैया? अंदर फोटो ले सकते हैं? क्यों नहीं? तो बताए कौन सी गाड़ी है? वैसे लैम्बोर्गिनी लग रही होगी? लग रही तो लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। लेकिन गाड़ी होंडा सिविक, होंडा सिविक है, होंडा सिविक से पे मॉडिफाई की है ये पूरा रीबिल्ड। तो आपने मतलब आपका ये कस्टमाइजेशन कुछ काम है? इनका कस्टमाइजेशन काम है, मैं दिल्ली से आया हूं वीडियो वाले। यार यार क्या गाड़ी बनाई है ये भाई, ये बंदा ना एक्चुअल कार एंथुसियास्ट हो, बता सकता हूं ये कार का है बंदा। मतलब हमने उधर से देखी, माता से हम भाग के आए आपके लिए, बस देखने के लिए पीछे से, मतलब मजे आ गए भैया। लगता है कि कभी कभार की मतलब नकली हो सकती है, बट ये लग नहीं रहा था उतना, हमको डाउट एक्चुअल में। ये है बात भाई, जिस तरीके से बनाई है ना वो लग नहीं रहा कि मतलब डाउट आ रहा है कि असली भी हो सकती है नकली भी हो सकती है। ये भाई अपने रियल टार्जन द वंडर कार में तुम देखो ना, बच्चा तो बना था गाड़ी, ये अपने रियल वही है। इन्हीं के ऊपर बच्चे भेज दियो भाई, एक अंदर फोटो मिल जाती तो। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो भाई सामने बिरयानी वाली शॉप अपनी, हम निकलते हैं और भाई लोग फोटो खिंचवाएंगे मेरे से। चले भाई बिल्कुल बिल्कुल, पेट पूजा करी जाए। कैसे खोलना है इसको? इसको वहाँ पे देखिए, आपके पैर के पास लीवर होगा। मेरे पैर के पास? ये अच्छा ये लीवर है, इसको खींच के। और मैं बताऊँ सबसे मुश्किल होता है यार ये लैम्बो डोर जो होता है ना, इसको बनाना, ठीक है। भाई ने यहाँ पे सस्पेंशन के साथ लीवर वाला काम भी कर रखा है, जो कि भाई ने खुद से बनाया, खुद से पूरा। देख लो यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है लैम्बो के साथ, देख रहे हो भाई। जब चीज लाजवाब होती है ना तो बंदे अपने आप खींचे चले आते हैं, ठीक है। तुमने रिएक्शन देख ही लिया भाई के। बाकी भाई चले बिरयानी खाने, आओ भाई बिरयानी खा के आएंगे। भोपाल की बिरयानी, ठीक है। मैं तो आता हूँ, बिरयानी ना कभी भी दुकानों पर अच्छी नहीं मिलती, पता है तुम्हें ना। बिरयानी मिलेगी तुम्हें लोकल स्ट्रीट वेंडर्स पे, ठीक है। इम्तियाज भाई ने मुझे बोला है कि यार यहाँ की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होने वाली है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको बोलते हैं जलाना, दिखाना नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें जला देता हूँ। ये चावल यहाँ पे दिखाओ आप, ये चटनी यहाँ पे इन्होंने खुद से बना रखी है, और ऊपर से दही, ठीक है। वो हल्की पतली दही जो होती है, उसका स्वाद जो बढ़िया होता है, बस नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं है। बिरयानी चटनी दही, अब जरा स्वाद मैं तुम्हें आता हूँ। और वैसे जानता हूँ बिरयानी के नियम कुछ ऐसे हैं कि यार चम्मच से कभी नहीं खाई जाती, लेकिन सॉरी। अरे वाह, गाड़ी जो अपनी यार तुम देख रहे थे उसमें टायर पंचर हो गया, जो कि सही बात थी जो बालक लोग बोल रहे थे, और वहाँ पे भी पंचर बन रहा है उस तरफ, ठीक है। उधर कोई शॉप वगैरह है, और भाई मुझे कह रहे थे कि भाई को पसंद नहीं आता एकदम भी, कि यार लैम्बो का काम इन सब जगह से कराना है, अपन खुद ही कर लो भाई, अच्छा। पर वो ये रास्ते में ख़राब हो गई तो दिक्कत पड़ेगी। ये देखो भाई, भाइयों की यहाँ पे दोबारा से फोटोग्राफी चल रही है, तो मैं ऐसे मैं दिखाता रहूँगा यार कि देखो भोपाल एक बार आए हैं तो गाड़ी की जरा फैन फॉलोइंग दिखाएं, ठीक है। भाई लोग कैसी लग रही गाड़ी? एक नंबर। एक बार ऐसे नहीं, ऐसे बोलो सौ नंबर, सौ नंबर, सौ नंबर। तो भाई ये कुछ देख लो आसपास बंदे गाड़ी अपनी रोक रोक के, बाइक रोक रोक के देख रहे हैं। सर मैंने गाड़ी देखी आपकी, और पता नहीं मन करा कि गाड़ी रोकूं, और गाड़ी रोकी मैंने, मेरे सर है मेरे साथ में। अच्छा गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अपनी फोटो वगैरह खिंचवाओ ना फिर। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। फोटो खिंचवाओ और YS कस्टम्स को टैग करना, ठीक है। ये इन्होंने बनाई है, ये देखो यहाँ पे, ये जो भाई है ये अपने रील बना रहे हैं, देख रहे हो। और ये भाई पता नहीं शॉट ले रहे हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है देख के यार। आज वो दिन है जिसमें लोग हमें नहीं देख रहे, गाड़ियों को देख रहे हैं, कि काम ऐसा हुआ। देख लो वहाँ भी वीडियो बन रही है, यहाँ भी भाई ने वीडियो बना ली अभी, ठीक है। यहाँ भी देख लो, अरे वाह भाई वाह जी वाह, नाइस कार, नाइस कार, क्या बात है। कार पूरा लग गया है, ठीक है। यहाँ पे अपना एक
बच्चा है उसका रिएक्शन लेते हैं। कैसी लग रही बेटा? बहुत सही है। तो देखो यहाँ पे ना अभी सर आए, ठीक है सर, कैसी लग रही है गाड़ी? एक नंबर। आपको पता है लैम्बो जो है बनाई गई है, हाथ से बनाई है, हाथ से बनाई है। ये जो भाई है इन्होंने हाथ से बनाई है गाड़ी को। वाह यार भाई। आप जानते हो होंडा सिविक गाड़ी होती है एक, होंडा सिविक को लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट किया है। ये 16 लाख की बनाई है और जो एक्चुअल गाड़ी होती है 3.5 करोड़ की है। ये भोपाल का नाम 7.5 करोड़ भोपाल का नाम फेमस कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आया उसकी वीडियो आने। आपका ऑफिस कहाँ है? गोविंदपुरा। देख रहे हो भाई, क्या नाम आपका? यश श्रीवास्तव। सपोर्टिव पुलिस हो तो भोपाल पुलिस जैसी, ठीक है, टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। थैंक यू सर। देखो ये है भोपाल का वन विहार, मतलब जू है ना। हम जू जा रहे हैं अपनी लैम्बो में। नाम क्या लिखते हैं आप? सुधांशु मिहिर बोल रहे आप जो भी है, और अंकल यहाँ मिलेंगे। थैंक यू। आपको गाड़ी कैसी लग रही है? थैंक यू। अरे वाह, थोड़ा हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। मैं जानता हूँ जानवरों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डीजल वाली बुलेट भी बंद है। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा जानवरों के हिसाब से उनको साउंड से दिक्कत होगी। कोई नहीं, आराम आराम से एकदम ले चलेंगे, ठीक है। और थैंक यू भाई, और स्पेशली हमें जू ने अलाउ किया है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ले चले, है ना, हल्का हल्का एकदम। एक मिनट रुकिए तो सर, ये सर बताएंगे। अच्छा तो अलाउ नहीं हो रहा फिर अंदर? नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा साउंड है। अरे यार समझ रहा हूँ, ये थोड़ी यार बाहर हो जाएगी, दिक्कत होगी। निकाल दो, कोई नहीं, थोड़ा यार समझो, जानवरों वाला मैटर हो, जानवर से तुम भी प्यार करते हो, तुम भी प्यार करते हो, और सही नहीं रहेगा ऐसे ना, क्योंकि उनको फिर डिस्टर्बेंस होगी इतनी लाउडनेस से, और वैसे यहाँ पे चलान भी हो रखा है इस चीज़ का। देखो यार छत से बाहर निकल गए, खड़े हो गए, भाई ने अलाउ कर दिया हमें, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप पैर फूल रख के खड़े हो सकते हैं, एक बार आए हो आप फुल मजे लो, पर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर दिस। मैं तो दिखाता हूँ यहाँ पे व्यू, देखो भाई तो भाई देखो एट लास्ट जाके हमें यार अपना वर्कशॉप तो दिखाना था ही, तो ये देख लो सामने वायस कस्टम्स, और यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और एक अपनी यहाँ पे जीप पड़ी हुई है। भाई इस पे क्या काम चल रहा है? ये बन रही 540 पुरानी ओल्ड मॉडल। अच्छा, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें लाता हूँ इम्तियाज भाई से। इम्तियाज भाई इधर आओ, जरा अपना परिचय दो कि आपका क्या रोल है इस पूरे टीम में। मैं मेंटेनेंस इनका जितना भी पूरा है वो सब संभालता हूँ, और मेरा डिजाइनिंग का काम है, जो ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं वो सब मैं करता हूँ। इनको बताया नहीं कि ये मैनेजर है? मैनेजर बोल सकते थे ना। हाँ मैनेजर बहुत ऊंची पोस्ट हो गई। कि सारा काम करता हूँ, साथ में मैनेज भी करता हूँ पूरी टीम को, है ना, तो वाली चीज है। बाकी छोटा सा ही ये भाई ने बना रखा है, पर इधर छोटे गराज में बड़े बड़े काम होते हैं, है ना, हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी का सीन क्या, अभी हम कुछ दोबारा से, यार देखो रात हो गई है तो हम कुछ खाने पे निकल रहे हैं। इस बार अपन बढ़िया जगह जा रहे हैं, कहाँ पे? शाहपुरा लेक, ठीक है, और वहाँ पे भाई बोल रहे हैं बहुत तगड़े रिएक्शन भी आएंगे, रिएक्शन से भरी हुई वीडियो देखते रहो, अभी भी वीडियो खत्म नहीं, पर तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। आराम, अब रात का तुम्हें सीन दिखाते हैं लैम्बोर्गिनी का, है ना। ये देख लो, ये है भोपाल का शाम वाला एकदम खाने पीने का स्पॉट होता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी मतलब पॉर्श वाला क्राउड आ रखा है, लड़का लड़की कॉलेज वाले जो होते हैं, अच्छा क्राउड, वो यहाँ पे खाने आते हैं, और यहाँ पे वही है जो फिर दिल्ली में नहीं मिलता, थोड़ा फैंसी खाना यहाँ पे सारा, हमें क्या है ऑथेंटिक खाना है, लेकिन वही है ऑथेंटिक, यहाँ पे नहीं मिलेगा। बिरयानी वगैरह खाने का मन कर रहा है, अच्छा, पर भाई यहाँ पे लेके आए, भाई बोल रहे हैं यहाँ खाते हैं, थोड़ा सा पॉर्श लैम्बोर्गिनी में आए ना, थोड़ा पॉर्श जगह जाते हैं, पॉर्श खाना खाएंगे, तो आओ भाई। बाकी यहाँ पे रिएक्शन बहुत तगड़े आया, अभी हम जब आ रहे थे सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सबको लग रहा है रियल लैम्बोर्गिनी, उनको पता नहीं है उनका फुतू काट रहे हैं। रियल से वैसे ज़्यादा बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो पता नहीं क्यों ने वीडियो बन रही लड़कियों को, वो फेल लिया। अरे वाह, यहाँ हम गाड़ी अपनी लगा रहे हैं, ठीक है, चलते हैं इनमें से किसी दुकान में, और वहाँ देख लो बच्चे लोग अपनी वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। देखो वहाँ भी स्नैप बन रही है, सिगरेट भी हमने भाई को देख लिया है, ठीक है, उनके घरवाले तो तुम्हें वीडियो पहुँचानी है, ठीक है, कि वो बंदा सिगरेट भी था। ओके भाई बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं मोबाइल में आके, तुम्हें पता है गलत किस तरीके से करते हैं हम, फुल गलत, ठीक है। तो इन भाई की दरवाजे तो वीडियो बहुत जरूरी चाहिए, देखो क्या सेकंड सिगरेट भी रहा है। देखो भाई यहाँ पे अपनी ये है स्टफ तंदूरी लेग, और यहाँ पे ये है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना चिकन अफगानी बावला, ठीक है, और ये भाई है आगरा का जायका उनका, इधर आओ, ये भाई इनका है आगरा का जायका, ठीक है। तो भाई देखो मैं तुम्हारा वीडियो में प्रॉपर दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्या है मुझे डिस्काउंट चाहिए।
अरे वीडियो ऐसे डिस्काउंट ऐसे ओ यार आजकल व्लॉगर्स को यार कोई समझ नहीं आ रहा है मुझे तो लग रहा है हा? नहीं नहीं देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। कोई नहीं हम दिल से प्रमोशन कर रहे हैं भाई पर उसके लिए पहले खाना पड़ेगा ना है थोड़ा प्रमोशन कर देंगे तो तुमने खाया हाँ। कैसा लगा स्वाद में बहुत शानदार ये अच्छा है ये अच्छा है ये तो चखा नहीं है तो दो ही आया है थोड़ा सा मतलब चख के बताता हूँ मैं ठीक है अपना स्टफ लेग चखता हूँ इसमें क्या है लेग है उसके अंदर कीमा भरा हुआ है ठीक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर देखते हैं लेग के अंदर दोबारा चिकन मतलब चिकन के अंदर चिकन काफी यूनिक हैवी हो गया लेग अपना ठीक है मतलब इसमें क्या है फूड रिव्यूअर तो है नहीं अपन उस तरीके से पर सही है गिव इट अ ट्राई वाला सीन है इसमें एक बार जरा सबसे मेन तो ये है भाई 400 रुपए के 6 पीस है चिकन अफगानी बावला के भाई ने खाया भाई को तो बस लगा एक बार एक पीस खा के देखते हैं ग्रेवी के साथ खाना ये मतलब कैशू पेस्ट काजू के पेस्ट से बनाओ मैंने भाई को बोला था तीखा करना ये अच्छा स्वाद है भाई लटपटा बोलते ना सिर्फ लटपटा में कर रखा है बाकी तंदूरी ज्यादा खाएंगे मेरे ख्याल से ये ज्यादा रिकमेंडेड है तंदूरी लेग तो ठीक है मतलब ओके इसे लेकिन ये एक कटे से पता लग जाता है वो है असली फूड रिव्यू जो एक बाइट से बता दे है ना ओके और फिर उसके बाद अपन होटल गए थे और फिर अपने को सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी थी है ना तो वो फ्लाइट पकड़ के मैं फिर दिल्ली आ गया था और मैं तो बताया था देखो भाई एक्चुअल में क्या सीन है कि यार अब मैं ना थोड़ी देर में मतलब मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूँ तुम टाइम देख लो अराउंड 6 बज रहे है ना मेरी यार 7:55 के अराउंड ना मूवी की टिकट है मैं देख रहा हूँ पठान और कल पूरा मैं तो बता रहा हूँ कल एक्चुअल में ऐसा नहीं कि कल बोल के परसों कल व्लॉग आ जाएगा पठान मूवी रिव्यू का ठीक है तो जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो जितने लोग नई जनता अपने चैनल से जुड़ी है भाई मैं तुम्हें बताया था मैं अपने चैनल पे डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के अपने चैनल पे लाइफस्टाइल व्लॉग और कंटेंट वाले व्लॉग सब मिक्सचर होकर आता है बस मेरी जिंदगी से तुम्हें जुड़े रहना है ठीक है अब देखो दिन में 24 घंटे होते हैं ना 24 घंटे में से क्या 15 से 20 मिनट निकाल सकते भाई के लिए मतलब इतने तो अपन वैल्यूएबल है यार ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा समझे ओके मतलब वो वाली बात भी नहीं है ना तो सब्सक्राइब करना है शेयर करना है कमेंट करना है और कीड़ा मकोड़े वाला जो डायलॉग यार उससे मुझे लेट राउडी भाई की याद आ गई राउडी भाई को फुल प्यार था यार मतलब अलग ही बंदा था यार वो कीड़ा मकोड़ा डायलॉग उनका ही था चलो इमोशनल एंड हो रहा है लेकिन हाँ सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना और प्यार दिखाओ ज़्यादा सा इस ब्लॉग में इस ब्लॉग को शेयर करो और जितनी मेरी 30 मिनट्स ऑडियंस देख रही है तुम लोग जानते हो वॉट्स द थ्रिल है ना डबल लव यू जो 30 मिनट के बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं चलो प्यार है तुम लोगों को पर सिंगल लव यू 30 मिनट्स के अंदर तो देख रहा है उसे डबल लव यू पता है तो 30 मिनट के अंदर कैसे देख रहे हैं ये लोग क्या करना होता है तुम्हें नोटिफिकेशन बेल दबाना है घंटा बोलते हैं ना घंटा दबा दो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो फिर घंटा दबा दो और जैसी नोटिफिकेशन आए तुरंत 15 से 20 मिनट का तक का मैक्सिमम व्लॉग होता है अपना देख के खत्म करो यार 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट भाई के निकालो यार क्या कर रहे हो जीवन में ऐसे भी कौन से बिजी हो तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे इतना तो यार प्यार करते हो ना मुझसे मतलब इतना लाइक करते ही हो हाँ चलो एंड करें वीडियो को कल वाला व्लॉग मिस मत करना कल का व्लॉग जरूर से देखना है तुम्हें ठीक है और मेरे स्टाइल में रिव्यू होगा बाकी जितने लोगों ने पठान नहीं देखी भाई अभी मत देखो कल मैं रिव्यू देख लो उसके बाद देखने आना ठीक है वीडियो को तो आप वीडियो को तो